वापसी किसी मुसलमान ने नहीं दी, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, तो फिर ये कौन कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी हो गया है? दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, निहत्ते अखलाक को कत्ल करने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। ऐसे ही प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत कुर्बत खिदमत और खुलूस का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों के खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं होता। अब हमला हमारे देश पे है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि ये मुल्क उनका नहीं है, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये अशफाक का मुल्क है, ये गांधी का मुल्क है, ये पी अब्दुल हमीद का मुल्क है। अगर अशफाक उल्लाह की कुर्बानी को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, क्या हम पी अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। ये पीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह और भगत सिंह का मुल्क है, ये सुभाष चंद्रशेखर आजाद का मुल्क है, ये गांधी का मुल्क है, इसे गौडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। मुसलमान पाकिस्तान जाएगा ना इस देश का मुसलमान। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप देशभक्त हैं, आप वतन परस्त हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, इसका सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान है बस ये काफी है कि वो हिंदुस्तानी है।